तो हाल ही में मैंने देखा पैरासाइट द ग्रे का ट्रेलर, जो अभी अभी एक दिन पहले ही ट्रेलर आया है नेटफ्लिक्स पे। और द पैरासाइट ग्रे एडेप्शन किया गया है एनिमे मांगा से। तो पैरासाइट द ग्रे एक लाइव एक्शन के ड्रामा होने वाला है और इस लाइव एक्शन के डायरेक्टर होने वाले हैं जिन्होंने ट्रेन टू बुसान और हेल बाउंड को डायरेक्ट किया है। तो इस के ड्रामा को एडेप्शन किया गया है मांगा सीरीज से। अगर तुमने इसकी एनिमे नहीं देखी तो इसके ऊपर एक एनिमे भी है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, तो उसी से द पैरासाइट ग्रे को एडेप्शन किया गया है। तो हमें इसमें देखने को मिलेगा कैसे पैरासाइट ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और इंसानों के बीच में अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं और वो इंसानों के शरीर के अंदर घुस के उनके अंदर कब्जा जमा के इंसान के रूप में ही रहते हैं, लेकिन बाहर जाके तरह तरह के लोगों को मर्डर करते हैं और ऐसा करके वो चारों तरफ से अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। तो हर पैरासाइट ग्रुप के अंदर एक लीडर जरूर होगा सबसे ज्यादा ताकतवर, और वही फैसला करेगा कि आखिर उन लोग के प्लान कैसे चलेगी और ह्यूमन वर्ल्ड में इंसान को खत्म करके अपना कब्जा कैसे जमाएंगे। तो इसी रिलेटेड हमें जाएगा कि कैसे इस सीरीज के जो मेन लीड का एक्ट्रेस है उसके अंदर भी पैरासाइट घुस जाता है, लेकिन फिर भी जो कि एक लड़की को लिया गया है वो लड़की कैसे पैरासाइट बनने के बावजूद भी इंसानों को बचाना चाहेगी और पैरासाइट से लड़के उनको खत्म करना चाहती है, यही चीज हमें देखने को मिलेगी आने वाली सीरीज में। और ये सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, वो भी 5 अप्रैल को। देखो भले ही ये एडेप्शन की गई है मांगा से जिसका एनिमे भी है, लेकिन फिर भी हमें इस के ड्रामा में इसकी स्टोरी में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। मतलब कि जैसा कि एनिमे में दिखाया गया है, इस के ड्रामा में भी बिल्कुल हर चीज वैसा नहीं होने वाला, इसमें कुछ चीजें अलग दिखाई जाएगी। जैसे कि अगर मैं एनिमे की बात करूं तो उसमें मेन लीड कैरेक्टर एक मेल को रखा गया था, के ड्रामा में हमें देखने को मिलेगा हमारी मेन लीड कैरेक्टर एक फीमेल रहेगी। और मांगा के हिसाब से अगर हम देखें तो वो पैरासाइट हाथ से निकलता है, लेकिन हमें के ड्रामा की सीरीज में देखने को मिलेगी उसके फेस और उसके दिमाग के अंदर से वो पैरासाइट निकलता है। ये जो चेंजेस किए गए हैं इस सीरीज को लेके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है इस के ड्रामा सीरीज का, क्योंकि जिसने इसका एनिमे देख के रखा हुआ है उनका एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग हो सकता है इस सीरीज को लेके। लेकिन ये सीरीज में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने वाले हैं, तो पता नहीं कि सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा। ये सीरीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज का बात है, क्योंकि मोस्टली के ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं और इनकी फैन बेस बहुत ज्यादा है, खास करके हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। के ड्रामा को लेके सब लोग बहुत ज्यादा क्रेजी है, और के ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी लोगों को एंगेज करके रखती है। अगर हमें इस सीरीज में एंगेजमेंट नहीं देखने को मिलेगी तो लोग शायद ही वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाएगा ये ड्रामा। तो टेक्निकली देखा जाए तो बहुत बड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि इसकी मांगा बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अगर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूं कि हमें ट्रेलर में क्या देखने को मिला है, इसकी VFX वगैरह, इसकी स्टोरी टेलिंग और किस तरह से पैरासाइट्स को दिखाया है हमारे सामने, तो मुझे ट्रेलर देखने के बाद काफी अच्छा लगा। कुछ कुछ जगह में अगर तुम बहुत ही ज्यादा डीप घुस के अगर तुम नोटिस करोगे चीजों को, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी CGI और VFX में थोड़ा बहुत कमी है, वो भी कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं। बाकी इसके मॉन्स्टर वाली चीजें, जिस तरह से फाइट हो रही है, जिस तरह से उछल कूद हो रहे हैं इस सीरीज के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखने के बाद। तुम भी अगर चाहो तो इसका ट्रेलर देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। और इस के ड्रामा मेकर्स के हिसाब से ये सीरीज हर लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, तो तुम 5 अप्रैल को रेडी रहना इस सीरीज को देखने के लिए। आई होप कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा हो, इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि जब बात आती है के ड्रामा की तो उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद होता है। तो अगर अच्छा हुआ तो बहुत ही ज्यादा हिट होगी और एज अ रिव्यूअर मुझे कंटेंट भी मिलेगा, ताकि मैं तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसीलिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम मेरे चैनल में नए आए हो। तो द पैरासाइट ग्रे से जिस तरह की लोगों की उम्मीद है, तो मैं बता दूं इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने ट्रेन टू बुसान को भी डायरेक्ट किया था, जो कि बहुत ही हिट फिल्म था जॉम्बी कैटेगरी के अंदर। वो भी कोरियन मूवी है लेकिन बहुत ही ज्यादा हिट है, मुझे पता है वो फिल्म काफी अच्छा है। तो अगर डायरेक्टर को लेकर अगर मुझे उम्मीदें हैं तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें देने के बावजूद मैं उम्मीद तो कर ही सकूं कि इस सीरीज को भी एक नेक्स्ट लेवल लेके जाए और हमें कुछ नया नया चीजें एक्सपीरियंस करने को मिले। और पैरासाइट द ग्रे की मेकर्स के हिसाब से इस सीरीज के 6 एपिसोड होने वाले हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसका season 1 बूम होता है, मतलब अगर मार्केट में बहुत ही अच्छा हिट होता है, अगर लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो स्टोरी को बढ़ा के इसका season 2 और 3 भी लाया जाएगा। अब ये तो डिपेंड करती है कि उन्होंने सीरीज को बनाया कैसे है और इसकी स्टोरी टेलिंग को किस तरह से प्रेजेंट किया है हमारे सामने। अब ये तो पता चलेगा हमें 5 अप्रैल को ही जब हम इस सीरीज को देखेंगे। और ट्रेलर के मुताबिक इस सीरीज की जो कास्टिंग है वो काफी अच्छी है और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छा है। देखो जब बात आती है कि हॉरर, ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर वाली चीजों की, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है अंदर में, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो इस चीज को लेकर ना लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि सब कुछ ठीक हो और हमें कुछ बहुत ही अच्छा माल मसाला देखने को मिले, जिसके लिए उन्होंने इतना टाइम लगा के देखा है, तो उनका टाइम
बर्बाद ना हो, उन्हें ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा मजा आए और कुछ ऐसा हो जो अपने फैमिली के साथ भी देख सके। और जैसा कि ट्रेलर में हमें देखने को मिला, और ट्रेलर देख के मुझे इतना तो समझ में आता है कि इस सीरीज को हम अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई भी वल्गर वाली चीजें नहीं होने वाली है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुम जाके ट्रेलर को देखो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम जब भी मैं वीडियो डालू तुम्हें पता चल जाए। और क्या, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तुम एंजॉय करो, और किसी दूसरे चीज के बारे में आइडिया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।